दोस्तों वैसे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही छोटा सा इंडस्ट्री माना जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने बहुत ही ज्यादा कमाई की है, और इन फिल्मों की कमाई को देखकर लोगों को यकीन नहीं होता कि सच में ये भोजपुरी की बनाने वाली फिल्में हैं जिन्होंने इतना ज्यादा कमाई किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं भोजपुरी की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में कौन सी हैं। नंबर 1 पर है 7 सहेलियां। इस फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया था। दिनेश लाल यादव, पांखी हेगड़े, रानी चटर्जी और मोनालिसा के अलावा इस फिल्म में 7 हीरोइनें थी। इस फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। राजकुमार आर पांडे जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 9 करोड़ रुपए, जो कि भोजपुरी में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे नंबर पर है देवरा बड़ा सतावेला। इस फिल्म को 2010 में रिलीज किया गया था। पवन सिंह, रवि किशन, प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू और मोनालिसा की इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इस फिल्म के भी डायरेक्टर राजकुमार आर पांडे जी हैं। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 10 करोड़ रुपए। नंबर 3 पे है पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई। इस फिल्म को 2005 में रिलीज किया गया था। रवि किशन और नगमा ने इस फिल्म को सुपरहिट कर दिया और इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसकी वजह से इस फिल्म की कमाई 2005 में बहुत ज्यादा हुई। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 12 करोड़ रुपए। इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए पंडित जी बताए ना ब्याह कब हुई 2 भी बनाया गया था। हालांकि वो फिल्म इसके जितना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। नंबर 3 में है मेहंदी लगा के रखना। मेहंदी लगा के रखना खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी की सुपरहिट मूवी है, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म को रजनीश मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। मेहंदी लगा के रखना फिल्म के सक्सेस के बाद इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट भी बनाया गया। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 14 करोड़ रुपए। नंबर 4 में है निरहुआ हिंदुस्तानी। निरहुआ हिंदुस्तानी दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की 50वीं फिल्म थी और आम्रपाली दुबे की ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म को 2014 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में कॉमेडी के साथ साथ एक्शन और इमोशन भी भरपूर है। इस फिल्म में आम्रपाली दुबे की एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आया और इस फिल्म को सतीश जैन ने डायरेक्ट किया है। दिनेश लाल यादव के छोटे भाई प्रवेश लाल यादव ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की टोटल कमाई थी 14 करोड़ रुपए। नंबर 5 में है क्रैक फाइटर। गाइस आपको बता दूं कि इस फिल्म को काफी हाई बजट पे बनाया गया था, यानी कि 8 करोड़ रुपए पर। साथ ही इस फिल्म को तमिल में भी बहुत बड़े एक्टर प्रदीप रावत ने भी काम किया है। क्रैक फाइटर में संचित बनर्जी पहली बार पवन सिंह के साथ नजर आई थी। पवन सिंह, संचित बनर्जी, निधि झा और चांदनी सिंह की इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से इस फिल्म की टोटल कमाई काफी ज्यादा हुई, यानी कि 17 करोड़ रुपए। नंबर 6 पर है बॉर्डर। दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे की इस देशभक्ति फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया। भोजपुरी की ये सुपरहिट देशभक्ति फिल्म आपको रियल बॉर्डर का फील दिलाने वाली है। इस फिल्म को संतोष मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। बॉर्डर फिल्म की सफलता के बाद भोजपुरी के सारे फिल्म दर्शकों ने इस फिल्म को काफी हिट करा दिया और इसकी टोटल कमाई हुई थी 19 करोड़ रुपए। नंबर 7 में है प्रतिज्ञा। इस फिल्म को 2008 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में दिनेश लाल यादव और पवन सिंह पहली बार एक साथ नजर आए थे और लोगों ने इनकी जोड़ी काफी पसंद किया। प्रतिज्ञा फिल्म के गाने काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं और लोग आज भी उसको सुनना पसंद करते हैं। इस फिल्म को सुनील कुमार उपाध्याय जी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को बस 78 लाख रुपए में ही बनाया गया है। मतलब 78 लाख रुपए इस फिल्म का बजट था और 2008 में इस फिल्म ने 22 करोड़ कमा करके अब तक के सारे भोजपुरी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 8 में है गंगा। इस फिल्म को 2006 में रिलीज किया गया था। महानायक अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, नगमा, मनोज तिवारी, रवि किशन और गुलशन ग्रोवर के साथ इस फिल्म को सभी ने बहुत पसंद किया, क्योंकि यह पहली बार था जब भोजपुरी में बॉलीवुड के भी एक्टर एक्ट्रेसेस ने काम किया था और इस फिल्म ने कमाई किया था 35 करोड़ रुपए, जो कि बॉलीवुड वालों के लिए भी मुश्किल की बात है। नंबर 10 में है ससुरा बड़ा पैसा वाला। भाई लोग, इस फिल्म को 2004 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को अजय सिन्हा ने डायरेक्ट किया है। ससुरा बड़ा पैसा वाला मनोज तिवारी और रानी चटर्जी की पहली फिल्म थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। इस फिल्म को लोग आज भी उतने ही चाव के साथ देखना पसंद करते हैं। इस फिल्म की स्टोरी और गाने बहुत जबरदस्त है, आपका दिल जीत लेगा। इस फिल्म ने भोजपुरी इंडस्ट्री की दिशा ही बदल दी थी। इस फिल्म को बस 30 लाख के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने कमाई किया था 36 करोड़ की। इस फिल्म के नाम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बन गया। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्मों में ये लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई मूवी आपका फेवरेट है और वो छूट गया लिस्ट में से, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसके पार्ट 2 में इंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।